भगवान, देखिए क्वेश्चन है, ये शिल्पी ने पूछा है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन इस तरह से है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 5 √21/2 देन प्रूव दैट x³ + 1/x³ - 5 × x² + 1/x² + x + 1/x इज इक्वल टू 0। कभी कभी यहाँ पे प्रूफ के बदले में आपको फाइंड द वैल्यू भी रहता है। तो क्वेश्चन सच में ये ट्रिकी है और इसको आपको जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है इसमें, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट है कि यदि आपको दिया है x का वैल्यू यहाँ पे 5 √21/2, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल जब आप यानी 1/x यदि आपको निकालना होगा तो उसमें क्या होगा, ये 2 जो है सो ऊपर चला जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो गया। लेकिन रेसिप्रोकल में आपको दिक्कत क्या है कि नीचे में ये जो क्वांटिटी ये दोनों बनता है ना, इसके चलते आपको परेशानी होता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसका जो कंजुगेट होता है, कंजुगेट मतलब इसका जो साइन खाली बदल के उससे हम लोग ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, वो होता है 5 √21/5 √21। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तब क्या होता है कि ऊपर में तो जो है आपका वही रहेगा, ऊपर में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो सेम है, लेकिन ये जो देख रहे हैं यहाँ पे नीचे में क्या होगा, ये आपका a - b × a + b दैट इज a² - b² तो इसका वैल्यू जो होगा फाइनली ये क्या हो गया 5 √21/2। ये आपका एक वैल्यू निकल गया जो कि आपका 1/x का वैल्यू है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो हमारे पास जो है पहले से उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देख लेंगे यहाँ पे, इसको यदि है देखिए तब x + 1/x तो क्या होगा, x का वैल्यू हमारा 5 √21/2 है और 1/x का ये 5 √21/2, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा आ गया 5। तो एक वैल्यू हमारा निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे जो है उसको, उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। दिक्कत इसलिए होगा कि यहाँ पे थोड़ा आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और इसके लिए देखिए क्या है, ये जब हम लोग निकालेंगे x² + 1/x² तब क्या होगा कि देखिए ये 5 √21/2 है, तो इसको आप दो अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं, ये 5 √21/2 ये दो पार्ट में ये बढ़ता है। तो हमने क्या किया, इसको ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको 5 √21/2 लिखा, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस हमने दिया, ये 1 / x² है तो 1 / x² इसका वैल्यू है 5 / 2 + यहाँ पे है इतना का स्क्वायर। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ, देखिए एक फार्मूला हमने यहाँ पे बताया है, ये है कि देखिए a - b² + a + b² इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये छोटा है करके इसका जो वैल्यू बनता है वो होता है 2a² + b². तो यहाँ पर ये 5/2 जो है ये आपका a है, यहाँ ये a है, ये √21/2 और √21/2 ये आपका b है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका a - b बन गया और ये जो सेकेंड वाला है ये आपका a + b बन गया। तो यानी a² - b² है, इसको आपका सॉल्यूशन इसमें जो छोटा करेंगे तो कितना होगा 2a² + b² और इसका जो वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है 2 हो गया, 1² मतलब 5/2 का स्क्वायर एंड b √21/2 का स्क्वायर ये हो गया। इसको यदि आप करेंगे तो ये वैल्यू आपका निकल गया 23, ये आपका दूसरा वैल्यू निकल गया। अब जो थर्ड हमारे पास है वो क्या है, क्यूब, जो क्यूब वाला है उसको क्या करेंगे, उसके लिए भी एक शॉर्ट फार्मूला है। इसमें भी देखिए x³ + 1/x³, इसके जगह हमने क्या है, देखिए ये x का वैल्यू है, ये 1/x का वैल्यू है, इसका क्यूब इसका क्यूब। अब क्या होता है, यदि दोनों का क्यूब होता है तो उसी तरह जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये a - b³ + a + b, ये जो फर्स्ट है a - b, ये a + b, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये छोटा होकर के इसका वैल्यू होता है 2a² + 3b². इसी तरह जैसे हमने इसका वैल्यू यदि पुट करेंगे इसमें तब क्या होगा, ये जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × a के जगह ये हो गया, ये उसके जगह पे अब a² दैट इज ये हो गया एंड 3b² इतना हो गया। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आपका आ जाएगा 110। इतना आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए इससे क्या हो गया कि हमारा जो है LHS में जो हमारे पास था क्या था, x³ + 1/x³ - 5 × x² + 1/x² एंड x + 1/x। अब ये तीनों का वैल्यू हम रखेंगे, ये 110 हो गया, ये 5 × 23 था, ये 115 हो गया, इसका वैल्यू 5 है, ये दैट इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू सो मच।